टूडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव ऑफ चैप्टर फाइव क्वाडरेटिक इक्वेशन अब ये जो टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन क्वाडेटिक इक्वेशन किस पे बेस्ड है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाडेटिक इक्वेशम एल अग्रवाल फॉर क्लास टेन फोर आईसीआईसी तो यहां पर बेसिकली होगा क्या हमें कई बार एक टाइम पूछेंगे एक चीज पूछेंगे तो उसको एलेक्ट करना है कई बार दो चीजें पूछेंगे एक को एक्स लेना है दूसरे को एक्स की फॉर्म में फाइंड कर लेना है इसके लिए मैं सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूं एग्जाम्पल जो अर्नव है अर्नव मदर एज इज ट्वाइस द एज ऑफ अर्नव तो यहां पे हमें ये डिसाइड करना होगा हम किसकी एज को लेट करें अर्नव की मदर की एज को लेट करें कि अर्नव की एज को लेट करें, करें? बताइए हमें कौन सी वैल्यू किसकी फॉर्म में दी है हमें क्या लिखा है देखो अर्नव मदर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ अर्नव मतलब जो उसकी मदर की एज है अर्नव की एज में गिवन है ना तो हम यहाँ पे अर्नव की एज को लेट जो, जो भी होगा, age is X years. Then, mother's age क्या होगी? X की फॉर्म में से देख, कर होगी। बस इस टाइप से होंगे बेटा सम उसके बाद जो इक्वेशन बनानी है वो कंडीशन हमें दी होगी अब स्टार्ट करते हैं तो जब स्टार्ट सम करेंगे अब हमें फटाफट पता चलता जाएगा वन मोर थिंग अब मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा और जो इक्वेशन मुझे लगेगा बच्चे कि हाँ टर्म नहीं हो पाएगी आपसे वो मैं आपको मिडिल टर्म करके दिखा दूंगा अदरवाइज सिर्फ इक्वेशन के बाद तो सिंपल सा मैं ना वो जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं समझ आया इक्वेशन तक की प्रॉब्लम है आपको सबको तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं भैववी से यस सर फर्स्ट सम फर्स्ट पार्ट फाइन टू कंजेक्टिव नेचुरल नंबर्स कंजेक्टिव भी बोल दिया और नेचुरल भी बोल दिया नेचुरल का मतलब क्या होता है पता है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सोन कंजेक्टिव का मीनिंग लगातार 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 मींस वन आफ्टर अनदर दो लगातार नंबर है तो लेट वन नंबर भी एक्स देन सेकेंड नंबर क्या होगा बोलिए बच्चे डेबोबी एक नंबर एक्स ले लिया तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा नहीं पता है भाभी चलो आपने एक नंबर सोच लिया 15 इससे नेक्स्ट वाला नंबर क्या yes, sir. है सर 16 क्या किया वन ऐड वन ऐड किया ना x 1 हाँ जब भी उन्होंने ऐसे बोला होगा ना कंसेक्टिव नंबर्स एक को x ले लिया तो दूसरा x 1 होगा plus one. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8th q यहाँ पे ऐसे लिख देना है अब यहां से देखो सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61 सम ऑफ देयर देयर मतलब दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम तो यहां पे अल्जेब्रिकली हमें दिया है उसको सॉरी uh, स्टेटमेंट दिया है अल्जेब्रिकली लिखना है क्या लिखेंगे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर यस सर किसके इक्वल 61 के 61

वेरी गुड अब यहां से जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना है देखो लेफ्ट हैंड साइड में से टू कॉमन लेके उस साइड जाके खत्म हो रहा है तो टू कॉमन लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थर्टी इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थर्टी इज इक्वल टू जीरो अपॉन टू चलो पहला सम है इसलिए मैं ये करवा देता हूँ थर्टी के फैक्टर्स जिनको माइनस करे वन आए क्या बनेंगे भाई वो भी यस सर थर्टी वन जा थर्टी थर्टी के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो वन आए थर्टी एंड मल्टीप्लाई करके वन आना चाहिए माइनस थर्टी इजिकल टू जीरो अब फर्स्ट टू में लास्ट टू में फर्स्ट टू में एक्स कॉमन है क्या बच गया एक्स प्लस सिक्स बच गया नेक्स्ट रूम में माइनस फाइव कॉमन है एक्स प्लस सिक्स बच गया अब एक्स प्लस दोनों को अलग अलग जीरो इक्वल कर दो एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस सिक्स आ जाएगी एक एक्स की वैल्यू फाइव आ जाएगी अब हमें उन्होंने नंबर क्या बोले थे नेचुरल बोले थे ना तो ये केस क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा तो फर्स्ट नंबर एक्स था वो फाइव आ गया सेकंड नंबर एक्स प्लस वन था

माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव मतलब वन इंटीजर भी माइनस सिक्स एंड सेकंड इंटीजर भी और दूसरा आंसर यही आएगा फाइव एंड सिक्स समझ आ गया बच्चे yes, sir. Understood? मतलब इस केस में नेचुरल के केस में ये रिजेक्ट कर दिया बट इंटीजर के केस में ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा डबल आंसर होगा इफ वन इंटीजर इज माइनस सिक्स सेकेंड इज माइनस और उसके बाद आगे क्या लिखेंगे नाउ इफ वन इंटीजर बी फाइव अदर इंटीजर बी सिक्स ओके लिख दोगे उसके रिजेक्ट नहीं होगा yes, बस yes. श्रुति श्रुति yes, क्या हो जाता है तेरे को तू तो एक्टिव है yes, ये कौन गाने गा रहा है सर पीछे कीर्तन चल रहा है अच्छा आज कीर्तन ने बड़ी जान खाई है यस सर सर दिन भर से चल रहा है हाँ आज पहले क्लास लगाई थी मैंने टेंथ सीबीएसई की तो वहाँ पे भी एक जगह कीर्तन चल रहा था एक दिन जगह माता जी का भजन चल रहा था Yes, sir, ऐसे हो रहा हम्म ऐसे था एक सेकंड का Yes, चलो नाउ अभी हमारे पास श्रुति हमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवाई क्या लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंजेक्टिव इवन इंटीजर इंटीजर इज टू एटी एट प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंजेक्टिव भी है पॉजिटिव भी और इवन भी है, और even भी, है. Positive भी बोल दिया consecutive में तो लेट वन इंटीजर बी वन इवन कंजेक्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स देन सेकेंड एक्स होगा हाँ इवन का मतलब देखो एक नंबर श्रुति ने सिक्स सोच लिया तो उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा इवन नंबर एट होगा ना तो टू ऐड करके एट आएगा ना अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा एक्स इन टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू एटी एट यस मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स इज इक्वल मैं स्टडी ले आता हूँ और माइनस टू एटी एट अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर लोगे सर ये इसका कैसे फैक्टर्स निकालेंगे देखो मल्टीप्लाई करके 288 एटी एट इंटू वन टू आना चाहिए लास्ट टर्म से पहले क्या साइन है श्रुति माइनस माइनस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट Subtract करके कितना आना चाहिए और तू? दो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं जब एक बड़ा होता है एक छोटा होता है नंबर नहीं वैसे नहीं एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है माइनस ऐसे वो सोचना है बेटा बड़ा और छोटा नहीं।, नहीं एक प्लस नहीं, का एक माइनस यहाँ पे क्या है प्लस uh, तो बिगर टर्म प्लस की होगी एंड स्मॉलर टर्म माइनस की होगी यहाँ माइनस होता तो बिगर टर्म माइनस की हो जाती है और स्मॉलर टर्म प्लस की हो जाती अब बड़ा नंबर है ना तो क्या करो ऐसे फैक्टर्स बना लो 288 टू पे किया वन फोर फोर टू पे किया सेवेंटी टू टू पे किया थर्टी सिक्स टू पे मल्टीप्लाई क्या बन रहा है 16 into 18. 16 and 18. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 288। और सब करेंगे तो टू आ रहा है बिगर कौन सा है दोनों में से एटीन uh, 18 प्लस का होगा और सिक्सटीन माइनस का होगा बस फर्स्ट टू में लास्ट क्या आ जाएगा एक्स प्लस एटीन यहाँ पे माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस एटीन एक्स प्लस एटीन एंड एक्स माइनस सिक्सटीन इसको अलग से जीरो की इक्वल है इसको अलग से इसकी वैल्यू माइनस एटीन आ जाएगी क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बोला था ना पॉजिटिव वर्ड लिखा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इसको क्या कर देंगे हम रिजेक्ट yes. कर इसको करेंगे तो एक्स की वैल्यू सिक्सटीन आ जाएगी तो वन इंटीजर भी है सिक्सटीन तो सेकेंड क्या था एक्स प्लस टू था ना? हाँ एटीन आंसर नाउ इसके बाद हमारे पास आ जाती है सारिका यस yes, सर अब यहां पे देखो सेकंड पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्ट यहां पे पॉजिटिव वर्ड डाल दिया था इसमें पॉजिटिव वर्ड नहीं डाला इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव इवन इंटीजर इज टू फोर्टी फोर वही सेम एक को एक्स दूसरे को एक्स प्लस टू दोनों का प्रोडक्ट टू ट्वेंटी फोर है सॉल्व कर लेंगे जैसे yes, मान लो यही आंसर आ जाती तो अभी रिजेक्ट यहाँ पे जैसे रिजेक्ट किया था अब रिजेक्ट नहीं करेंगे क्या करेंगे लेट इन माइनस एटीन सेकेंड क्या होगा माइनस एटीन प्लस टू माइनस सिक्सटीन आ जाएगा सर, और एक आंसर इवन oh, yes, उन्होंने बच्चे यहाँ पे ये तो बोला ही नहीं ना कि इवन है पॉजिटिव है कि नहीं सेकेंड पार्ट में ठीक है मतलब दोनों आंसर होंगे

या पॉजिटिव इंटीजर एक ही बात है यस सर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज थ्री चलो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट वन इंटीजर हम क्या ले लेते हैं एक्स देन सेकंड इवन इंटीजर भी क्या होगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू यस सर इवन बोला हुआ है बच्चे नहीं? सर ज़रूर मांगूंगी लेकिन पता नहीं कैसे बनवोल दी सर दैट सम ऑफ़ देयर स्क्वायर इज़ थर्टी अथ्री फौर्टी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा सम ऑफ़ देयर स्क्वायर्स सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल्ड स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सेव फौर्टी सर क्वेश्चन इसका ये ऐसे ही x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस फोर प्लस प्लस टू ए बी फोर एक्स और 340 साइड आके माइनस हो गया जीरो के इक्वल x स्क्वायर x स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स फोर माइनस थ्री माइनस थ्री अब देखो तीनों में से टू कॉमन आ रहा है और उस साइड जाके खत्म हो रहा है तो हमने कॉमन लेना है

दोनों को अलग अलग करेंगे एक एक्स की वैल्यू माइनस फोर्टीन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नेचुरल बोला हुआ है नेचुरल नंबर बोला हुआ है ना तो माइनस फोर्टीन इज नॉट ए आ जाएगी यहाँ दोनों में फिल कर देना एक ट्वेल्व तो दूसरा ट्वेल्व प्लस टूट फोर्टीन इसके बाद सत्यम yes, फोर्थ पार्ट क्या लिखा उन्होंने हांजी फाइन टू कंजेक्टिव अब ओर लिख दिया कंजेक्टिव लिखा है ना पॉजिटिव ना नेचुरल कुछ भी नहीं लिखा मतलब थ्री नाइनटी फोर तो यहाँ पे थर्ड का फोर्थ पार्ट से फोर्थ पार्ट लेट वन कंजेक्टिव ओर इंटीजर बी एक्स तो सेकेंड क्या होगा सर एक्स प्लस थ्री चलो uh, सत्यम कोई ऑड नंबर yes, सोच एक ऑड नंबर सोच, oh. सोच ले कोई भी सर चुप कर जाए एक मिनट मैंने क्या पूछा है एक नंबर सोच ले कोई भी ऑड इंटीजर yes, क्या सोचा है सर सर नेक्स्ट ऑड नंबर कितना है फाइव uh, तो थ्री ऐड इसमें थ्री ऐड करेंगे तो फाइव आएगा नहीं nice, सर क्या ऐड करके आ रहा है तो यहाँ पे भी एक्स प्लस टू ही आएगा yes, समझे और yes, आए तो okay, है sir. Okay, sir. Okay, तो थ्री नहीं ऐड करना टू ही ऐड करना है बच्चे ओके ओके सर सर ठीक है तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर इज थ्री फोर्टी थ्री नाइनटी स्कोर सेम क्वेश्चन बन जाएगा स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल ए प्लस बी का होल स्क्सर प्लस टू ए बी फोर एक्स थ्री नाइनटी फोर इस साइड आया कि क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 394. Square, uh, 4X, 390. Uh, वही, same, इसमें तीनों में से टू कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन ले yes, और उस साइड जाके खत्म हो 2X 195. Yes, 2X 195, जाएगा अब yes, रह, me, 195 के फैक्टर जिनको माइनस करें टू आए यहाँ पे बेटा बना दो थ्री पे जा रहा है सिक्स फाइव फिर फाइव पे जा रहा है ये सब, ये सब 15 15. मतलब ये तो देखो मिडल टर्म तो जितना करोगे ना उतना आता जाएगा अगर नहीं करोगे तो जितना मर्जी कोशिश कर लो नहीं आएगा अगर ये सोचोगे ना नहीं हम नहीं कर सकते तो कभी कर ही नहीं पाओगे इसको तो शुरू करना ये है ही है। पड़ेगा ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे ना बड़ी टर्म्स आती जाएंगी बड़ी टर्म में ऐसे ही कर करके कर अलग अलग पेयर बना बना के देखना पड़ेगा ठीक है एक मतलब मैं सिंपल यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ आप कॉमन वगैरह लेके कर लेना कि पहले X दोनों में एक एक्स की वैल्यू माइनस फिफ्टीन आ जाएगी एक एक्स की वैल्यू थर्टीन आ जाएगी अब यहाँ पे कुछ yes, बोला तो था, थी, नहीं था ना नहीं सर चलो एक सेकंड बेटा मुझे ना मैसेज करना है जस्ट वेट

एक और yes. नंबर सोच कोई भी सोच लिया हाँ सर क्या सोचा सर सेवन सेवन से नेक्स्ट ऑर्ड नंबर कौन सा है सर so, नाइन तो क्या ऐड करके आया सेवन में नाइन सर टू वही सेम चीज अगर ऑर्ड भी है तो तो टू का ही डिफरेंस है सेवन में टू yes, ऐड करेंगे तभी नाइन ना आता है थर्टीन में टू ऐड करेंगे तभी फिफ्टीन आएगा नेक्स्ट ऑर्ड नंबर इवन भी ऐसे ही इवन में भी टू ही ऐड करना है ठीक है ओके सर थर्ड सम सर ये बार हम करो नहीं नहीं सर, नहीं 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 अभी रोहानियत की टर्न है yes, sir. ऐसे नहीं बेटा सबकी टर्न आएगी ना द सम ऑफ टू नंबर इज नाइन एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज फोर्टी वन टेकिंग वन नंबर x

क्या और uh, सर ये टेकिंग हुआ मतलब फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द नंबर्स कौन सी बुक है तेरी कुछ किया नहीं सर, है सर न्यू वर्जन है एम एल अग्रवाल एम एल अग्रवाल कोई बात नहीं न्यू वर्जन उठा लेता हूं टेंशन ना ले न्यू भी पड़ा है मेरे पास एक सेकंड रुको क्योंकि सेम था इसलिए मैंने वो उठा लिया था अभी ले पे नहीं दिया ठीक है सही है हम वाली बुक में से कर लेते हैं कोई बात नहीं सम सम ऑफ ऑफ टू नंबर इज एंड देयर इज फोर्टी वन फाइंड द नंबर हाँ जी बेटा सेकंड नंबर क्या आएगा रूहानियत सर एक्स के फॉर्म में तो टू एक्स लेनी है यार लिखा है रूहानियत तो अपनी मर्जी से ले लेंगे बच्चे तो सर वाई वाई तो लेना ही नहीं मैं पहले ही बोल रहा हूँ um, बच्चे आ, मुझे एक बात बताओ मेरे पास नाइन रुपीज है yes, नाइन रुपीज है ना मैंने दो जनों में डिवाइड करनी है एक तो रूहानियत में और दूसरा नैन्सी में मैंने रूहानियत को फोर रुपीज दे दिए तो नैन्सी को कितने दूंगा सर फाइव फाइव दूंगा ना अब अगर मैं तेरे को सिक्स रुपीज दे दू तो नैन्सी को कितने दूंगा कैसे आया थ्री प्लस किया क्यों प्लस किया नाइन में से सिक्स माइनस किया तभी आया ना अच्छा सर अब एक नंबर एक्स है दोनों का सम कितना दिया? देखो फर्स्ट नंबर ये रफ वर्क बेटा और सेकंड नंबर मैंने रोमन में लिख दिया कितना है नाइन है दोनों का सम नाइन है ना बोलिए यस सर तो अगर मैं फर्स्ट नंबर को एक्स लेता सेकंड नंबर तो सेकंड नंबर क्या आएगा आ जाएगा ना यस सर तो हमने ऐसे ये तो चलो मैंने समझा दिया बट आगे से याद रखना जब भी हमें दो नंबर का सम दिया होगा तो हम ऐसे करेंगे ओके, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या लिखा है Simple language. Uh, sum of their square is forty one. Sum of their square is forty one. So what Sir, x square mm. plus nine minus x square is equal to forty one. Huh. Same. Here, Sir, x square plus

हम्म तीनों में देखो टू कॉमन है ना इसको सिंप्लीफाई करना है कितना आ गया जीरो आ गया, गया। अब ट्वेंटी के फैक्टर्स जिनको प्लस करे नाइन आए कर लेंगे yes, बताइए

सम सम का मीनिंग क्या होता है द प्लस किसका डेयर स्क्वायर जो, जो, दो नंबर हैं दो नंबर क्या आए हमारे पास ये है ना सम बीच में प्लस साइन आ गया किसका yes, सम इनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल दिया है फोर्टी yes, सर... वन के बस यस ट्वेंटी के फैक्टर्स जिनको प्लस करें नाइन आए हाँ जी सर एक्स स्क्वायर माइनस वेरी गुड प्लस ट्वेंटी फर्स्ट टू में एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस फाइव माइनस फोर कॉमन होगा एक्स माइनस फाइव तो यहाँ पे दो फैक्टर्स की वैल्यू जीरो के इक्वल यहाँ से एक्स फाइव आ गया यहाँ से एक्स फोर आ गया अगर मैं यहाँ पे फाइव फिल करता हूँ तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा नाइन माइनस फाइव फोर आ जाएगा ठीक है फोर अगर वन नंबर फोर लेता हूं मैं नाइन माइनस फोर क्या आ जाएगा five. Five आ जाएगा सेकंड नंबर आ जाएगा मतलब ये दोनों ऐसे आंसर लिखने हैं ठीक है बच्चे यस सर तो कोई ऐसा नहीं कर बेटा मैं पहले बोल रहा हूँ वाई लेना ही नहीं है Okay, इस चैप्टर के अंदर वाई का यूज ही नहीं करना एक नंबर एक्स okay. लिया है तो दूसरे को एक्स की फॉर्म में फाइंड करना है अगर वाई लिया ले सकते हैं पर हम लेंगे नहीं ओके सर। ठीक है तुम्हारी बुक में मुझे नहीं पता लिखा है कि नहीं लिखा पर सलीना में लिखा हुआ है कि एक्स की फॉर्म ही लो स्टार्टिंग में दिया हुआ है मतलब एक को दूसरे की फॉर्म में लेना है चलो ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट रहित कुमार रॉय सर आज तो नहीं बारिश आ रही तेरे घर में नहीं सर आज नहीं आज तूने तो यहां पे भेज दी हमारे पास हाँ जी बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट रहित जी क्या लिखा है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज सेवन डिफरेंस की दिया दिया कितना दिया है दो नेचुरल नंबर का सेवन दिया है एंड देयर प्रोडक्ट इज फोर फिफ्टी और उनका प्रोडक्ट कितना दिया है फोर फिफ्टी दिया है फाइंड द नंबर जब भी डिफरेंस आ जाए तो एक नंबर लार्जर और दूसरा स्मॉलर लेना है तो यहां रफ वर्क में एल माइनस एस लिख देते हैं एल मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर क्योंकि लार्जर में से स्मॉलर माइनस होगा तभी हमारे पास पॉजिटिव आएगा ना बेटा यस सर क्या लिखा है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज सेवन तो इज इक्वल टू सेवन है अब अगर मैं लार्जर को एक्स लेता हूं तो स्मॉलर हो रहा है अगर स्मॉलर को एक्स लेता हूं तो लार्जर हो रहा है मैं यहां पे स्मॉलर को एक्स ले लेता हूं लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स देन लार्जर नंबर क्या आएगा बच्चे y. फिर वाई मैं कह रहा हूं वाई में नहीं लेना बेटा फिर आप वाई की फॉर्म में ले रहे हो यहां से देखो ना ये कंडीशन से सर सेन होगा क्यों one होगा यहाँ कंजेक्टिव दिया है ये देख बेटा ये मैंने रफ वर्क में लिखा है ना स्मॉलर को एक्सलेक्ट किया है ना तो लार्जर माइनस एक्स इजिकल टू सेवन लार्जर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे seven, seven हाँ अब आगे ध्यान रहेगा यस सर yes, दूसरी जो कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन जाएगा एक कंडीशन का यूज करके हमने नंबर को एक्सी फॉर्म में फाइंड कर लिया दूसरे को भी और दूसरी कंडीशन क्या लिखी है एंड देर प्रोडक्ट इज 450 दोनों का प्रोडक्ट 450 है तो क्या लिखू मैं यहां पे रहे जी बोलिए सर इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चे ठीक है बच्चे दोनों से करो सेवन एक्स प्लस एक्स इक्वल एक फोर फिफ्टी के स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस सेवन एक्स फोर फिफ्टी साइड आके माइनस हो जाएगा फोर फिफ्टी के फैक्टर्स जिनको माइनस करें सेवन आए तो रफ वर्क में ऐसे टू पे टू टू फाइव थ्री पे जा रहा है सेवेंटी फाइव फिर थ्री पे जा रहा है ट्वेंटी फाइव हो गया देखो नाइन टू सेटीन एंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव में से एटीन माइनस करते हैं सेवन आता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर फिफ्टी आएगा ही आएगा प्लस ट्वेंटी क्योंकि यहाँ प्लस है ना दोनों में से बीघर ट्वेंटी फाइव था तो प्लस का होगा माइनस एटीन एक्स माइनस फोर फिफ्टी इज इकल टू जीरो फर्स्ट टू में लास्ट टू एक्स कॉमन क्या आ गया एक्स प्लस ट्वेंटी एटीन आ गया क्या ये कॉमन आ गया बच्चे साथ में एक्स माइनस एटीन आ गया ये अलग से जीरो के इक्वल ये अलग से जीरो के इक्वल यहां से एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल आ गया एक्स माइनस एटीन जीरो आ गया यहां से एक्स की वैल्यू माइनस ट्वेंटी फाइव आ गई यहां से x की वैल्यू 18 आ गई ये क्या हो गया रिजेक्ट हो गया 18 आ गई आ, एक मिनट तो, मुझे देखने दो हाँ क्योंकि उन्होंने ना यहाँ नेचुरल वर्ड डाला हुआ था डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर और माइनस ट्वेंटी फाइव इज नॉट नेचुरल रिजेक्टेड बिकॉज माइनस ट्वेंटी फाइव इज नॉट अ नेचुरल नंबर ऐसे लिख दिया करो चाहे ठीक है रीजन तो देयरफॉर अगर स्मॉलर नंबर x है 18 है देयर फॉर स्मॉलर नेचुरल नंबर भी x is equal to 18 तो लार्जर क्या होगा 7 plus x आया था ना ये आया था देखो हमारे पास उसमें वैल्यू फिल करनी है 18 plus 7 25 हो जाएगा हो गया समझ आ गया बेटा यस सर एक बार पिछला वाला क्वेश्चन दिखाइए ना स्क्रीनशॉट ले लूं मैं यार तुम्हारा बिना कुछ बनता नहीं है तो सॉल्व कर यार नहीं निकलेगा मेरे से पूछो ये गया नाउ फोर्थ सम निश्चय यस सर देखो क्या लिखा है फोर्थ सम में फाइव

वैसे वैसे हम करते जाएंगे हमें स्टेटमेंट दिया है उसको अल्जाब्रिकली लिखना है तो यहां देखिए क्या लिखा है फाइव टाइम्स आ सर्टन होल नंबर नंबर को मैंने एक्स ले लिया ना yes, क्या sir. लिखा है? Five, five times a certain whole number. sir. है फाइव टाइम ए सर्टन होल नंबर यहां तक सिर्फ नहीं क्या हुआ फाइव एक्स आगे क्या लिखा है इज इक्वल मैंने इक्वल का साइन डाल दिया फिर आगे क्या लिखा है थ्री लेस थ्री लेस का मतलब माइनस थ्री किसमें से वो आगे लिखा हुआ है थ्री लेस देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर आ जाएगा समझ आया बेटा ये यस सर मतलब डरना नहीं है जैसे स्टेटमेंट दी है वैसे वैसे लिखते जाओ थ्री मोर लिखा होता तो प्लस थ्री कर देते और थ्री लेस लिखा है तो माइनस थ्री किसमें से

निश्चय सर थ्री और टू सर भूख लगी है नहीं मेरे को लगता है तेरे को चांटों की भूख लग रही है सर टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री क्यों ये क्या है लास्ट में सर माइनस जब भी लास्ट में माइनस होता है देखो मल्टीप्लाई करके सिक्स इसके बाद में सारे अच्छी तरह देख लो बेटा इसके बाद नहीं बताऊंगा ओके okay, सर लास्ट में क्या साइन है माइनस का सर माइनस का मतलब होता है सप्रैक्ट सप्रैक्ट करके कितना आना चाहिए फाइव आना चाहिए दो सब... नंबर कब होते हैं सर जब दोनों एक प्लस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो और एक माइनस हो आप क्या कर रहे थे यहाँ पे दोनों माइनस के ले रहे थे ना यस yes, सर तो गलत हो जाएगा वो अब अब मुझे बताओ दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें सिक्स आए और सप्रैक्ट मतलब माइनस करके फाइव आए थ्री टू लेते हैं तो थ्री में से टू माइनस किया तो वन आता है फाइव नहीं आता क्या होंगे निश्चय बताइए बच्चे सर six कर रहे हैं सिक्स एंड वन हा सिक्स एंड वन में से ग्रेटर कौन सा है सिक्स है यहां क्या साइन है माइनस तो माइनस सिक्स होगा और प्लस का वन होगा अब देखो इसको सॉल्व करके कितना बन रहा है माइनस फाइव आ रहा है ना और कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है वो दोनों में से टू एक्स कॉमन क्या आएगा एक्स माइनस थ्री नेक्स्ट टू में वन कॉमन सर एक्स माइनस थ्री प्लस वन प्लस वन प्लस एक्स माइनस थ्री ये अलग से आ, मतलब ये कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या आ गया टू एक्स प्लस वन आ गया इसको अलग से इसको अलग से एक एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी इसको बच्चे करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी क्या जाएगी? माँणस माँणस हाँ माँणस आ जाएगी माइनस हाफ आ जाएगी तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है होल नंबर भी लिखा है ना माइनस हाफ होल नंबर है नहीं सर रिजेक्ट हो जाएगा रिजेक्ट बिकॉज माइनस हाफ इज नॉट अ ठीक है? Yes, sir. So, three whole number है? ये ऐसे आंसर लिखना है लास्ट में समझ आया बेटा फोर्थ सर, मुझे स्टार्टिंग समझ में आया स्टार्टिंग में क्या था जैसे जैसे लिखा है बेटा वैसे वैसे किया है उन्होंने क्या लिखा है देखो फाइव टाइम्स होल नंबर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर नंबर को क्या ले लिया मैंने X ले लिया नंबर yes, का फाइव टाइम करेंगे तो फाइव एक्स होगा ना यस सर इज इक्वल टू साइन डाल दिया थ्री लेस माइनस थ्री किसमें से स्क्वायर ऑफ नंबर तो एक्स ही है ना उसके ऑफ़ इसमें नहीं 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 ले 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 सकते सकते आपके आपके पास पास आपने 10 रुपी की पेंसिल ली तो आपके कितने बचेंगे सर तो हंड्रेड माइनस टेन ही करोगे ना टेन लेस हुए ना टेन माइनस हंड्रेड तो नहीं करोगे नो सर बस थ्री लेस बोला है तो थ्री पीछे आएगा थ्री माइनस होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस नहीं होगा अंडरस्टूड ओके सर ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो गलतियां करवाती हैं नैन्सी नैन्सी भाग गई नैन्सी को पता चल गया मेरी टर्न आ गई उसने माइक ही ऑफ कर लिया चलो मीमांसा यस सर

Oh. ये बच्चा तो मेरा बहुत अच्छा है सिंपल है ना दोनों का सम था एट वन को मैंने एक्स ले लिया एक्स साइड जाके माइनस होगा तो सेकंड नंबर एक्स की फॉर्म में आ जाएगा ना तो एट माइनस एक्स ही आएगा ना ये चीज समझ आ गई बेटा यस सर आगे क्या लिखा है जैसे लिखा है हम वैसे ही करेंगे एंड डिफरेंस ऑफ दियर रेसीप्रोकल इज टू बास बताइए क्या लिखूस एक्स प्लस एट एट माइनस एक्स इज इक्वल टू डिफरेंस कितना था ये क्या है ये क्या लिखा है रेसी प्रोकल एंडिफरेंस ऑफ देर रेसिप्रोकल उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस टू बाई फिफ्टीन तो एक्स का रेसी प्रोकल क्या होगा मतलब बीच में माइनस साइन इसका रेसी प्रोकल वन अब माइनस इसके इक्वल यार थोड़ी सी मिस्टेक है अब कौन का साइन डाला नहीं हुआ ये दिक्कत देख कर रहे हैं एक मुझे यहाँ पे चेक कर लेने दो क्या लिखा है नहीं लिखा है को दोनों हाँ है दोनों ही खोलनी अपॉन जी में अब क्या करी? Sir, क्या करी सर वेरी गुड आएगा किया एट माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स देखो को को से से क्या आ आ गया गया है ऊपर आएगा बेटा चलो शॉर्टकट मार दिया फिफ्टीन को भी ऊपर ले गई है क्रॉस कर दिया मैंने भी कर देते हैं अब टू इंटू एक्स या पहले टू ऐसे लिख दूं बच्चे मैं 8X minus X square. Yes, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8X X आएगा और टू ऊपर है तुम टू से मल्टीप्लाई फिफ्टीन एट सा वन ट्वेंटी माइनस थर्टी एक्स इजिकल टू सिक्सटीन एक्स माइनस टू इस साइड आके प्लस हो जाएगा माइनस थर्टी एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस वन ट्वेंटी टू सी ये दोनों लाइट टर्म्स है

एक्स माइनस ट्वेंटी एंड एक्स माइनस थ्री एक एक्स की वैल्यू ट्वेंटी आ जाएगी दूसरी एक्स की वैल्यू थ्री आएगी अब इन्होंने क्या लिखा है सम ऑफ टू अगर एक नंबर ही ट्वेंटी है तो दोनों का सम एट हो सकता है no, ये केस क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा तो ये थ्री पहला नंबर थ्री दूसरा एट माइनस थ्री फाइव आ जाएगा लास्ट में लिख देने हैं दोनों लिख दोगे ना यस yes, सर अभी 54 हो गए ये हम्म चलो ये फाइव सम्स ही करना बेटा आप। टाइम इसमें लगेगा ये स्टेटमेंट्स है ना सम भी बहुत ज्यादा है चलो ये फाइव सम्स करना बच्चे आगे मैं करवाऊंगा ठीक है ओके सर okay, कल की छुट्टी तो नहीं है यस yes, सर नहीं है चलो ठीक है बच्चे ओके नाइन ओ क्लॉक मिलते हैं ठीक है बाय बेटा बाय बेटा बाए